नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज ही मैं आपको बताने आया हूं चतुर्थी तिथि के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज्यादा महत्व होता है और पंचांग के पांच अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये तिथियों की सीरीज चल रही है और तिथियों का सबसे ज्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी पांच बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु। ये सभी ग्रंथों के अंदर तिथियों के बारे में काफी गहन जानकारी, काफी विस्तृत जानकारी दी गई है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो चतुर्थी तिथि है इसे रिक्ता तिथि की श्रेणी में गिना जाता है, यानी कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये जो तीनों तिथियां हैं इसे रिक्ता तिथि कहते हैं। और अगर इन तिथियों के अंदर, यानी कि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी के दिन अगर गुरुवार आ जाए तो उसे मृत्यु योग बनता है, इसमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और अगर इन्हीं तिथियों के अंदर, यानी कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी के दिन अगर जो शनिवार आ जाए तो उसे हम लोग सिद्धा तिथि कहते हैं, तो उसके अंदर एक बार आप कोई शुभ कार्य कर सकते हो, लेकिन उसके लिए किसी विद्वान ज्योतिषकार की सलाह लेने के बाद। दूसरा, जो चतुर्थी तिथि है उसके भगवान है श्री गणेश और इसे कार्य नाशिनी माना गया है। आइए जरा गहराई से जानते हैं। जो चतुर्थी तिथि है इसके भगवान है गणेश जी, और आपको पता होगा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन पूरे महाराष्ट्र के अंदर और काफी जगह पे साउथ में भी गणेश जी का 10 दिन का महोत्सव शुरू होता है, लेकिन चतुर्थी तिथि को मुहूर्त शास्त्र के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है और उसे कार्य नाशिनी माना गया है। यानी उस दिन अगर कोई शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो निश्चित तौर पे उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती, उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं, वो कार्य आधा अधूरा छूट जाता है, उसके अंदर यश की प्राप्ति नहीं होती। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति चतुर्दशी के दिन पैदा हुआ हो, यानी कि शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, वो चतुर्थी के दिन कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो तो वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, ये सारी बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सुनिए, मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन पैदा होता है ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, उत्तम स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं, बहुत ही प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं, क्योंकि चतुर्थी के भगवान है श्री गणेश। ऐसे व्यक्ति को अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है और इन्हें ज्यादातर थोड़ा मीठा भोजन भी बहुत पसंद आता है। जो भी व्यक्ति चतुर्दशी के चतुर्थी के दिन पैदा होता है ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को गुण ज्ञान के प्रति भी बहुत रुझान होता है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र जानना, सीखना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मुहूर्त गणेश के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन पैदा होता है ऐसे व्यक्ति स्वभाव से मनमौजी होते हैं, खुश मिजाजी होते हैं, आनंदी स्वभाव के होते हैं, जिंदा दिल स्वभाव के लोग होते हैं। और अगर ऐसे व्यक्तियों को बचपन से कला क्षेत्र में डाला जाए, यानी कि उनको बचपन से ही कला सिखाई जाए, तो ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बनते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, यश जश, कीर्ति प्राप्त करते हैं।
ऐसे व्यक्ति एक अच्छे गीतकार संगीतकार बन सकते हैं, एक अच्छे डांसर बन सकते हैं, अच्छे कोरियोग्राफर बन सकते हैं। तो कोई भी कला के अंदर अगर ये लोग जाते हैं तो उन्हें बड़ी नामना मिलती है, यश जस प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अगर चाहे तो एक अच्छे कथाकार, प्रवचनकार, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण, रत्नशास्त्री बन सकते हैं और इन सब कामों के अंदर उन्हें बड़ी नामना मिलती है, यश प्राप्त होता है और 50 साल के बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा धन प्राप्त होता है, धनवान, यशवान, कीर्तिवान भी होते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन हुआ हो, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं और बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक और आध्यात्मिक भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ भी जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति 36 वर्ष के बाद सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और समाज में मान सम्मान, यश जस पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मुहूर्त पारिजात के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, चतुर्थी के दिन पैदा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से बहुत ही सुखी होते हैं, यानी कि धनवान होते हैं और उन्हें दान पुण्य करना बड़ा अच्छा लगता है और दान पुण्य करने से उन्हें संतुष्टि और सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। और ये भी देखा गया है कि ये लोग जितना ज्यादा दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, होम हवन करें, यात्रा तीर्थ यात्रा करें, वैसे वैसे वो और ज्यादा धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं, ये भी देखा गया है। यानी कि धार्मिक कार्य करने से इन्हें आर्थिक लाभ भी बहुत होता है। जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन होने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं और ऐसे व्यक्ति जब धनवान हो जाते हैं तो दूसरों को मदद भी करते हैं, दूसरों की उन्नति प्रगति के लिए सहायक भी बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन पैदा हुआ हो और मान लो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, वो उन्नति प्रगति विकास न कर पाता हो तो उसे क्या करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को रोज एक बार गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, उसे गणपति का यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ के अंदर 1000 छोटे छोटे मोदक की आहुति देनी चाहिए या फिर महामृत्युंजय का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। 1.25 लाख मंत्र होने के बाद उसका दशांश होम करे, उसके बाद तर्पण मार्जन करे तो उसे बड़ा लाभ होता है। जो भी व्यक्ति चतुर्दशी के दिन पैदा, चतुर्थी के दिन पैदा हुआ हो, अगर ऐसा व्यक्ति ओम गम गणेशाय नमः, ओम गम गणेशाय नमः ये मंत्र का जाप करे या फिर गणेश जी का पंचरत्न स्तोत्र का पूजन करे, तो पंचरत्न का पाठ करे तो भी उसे बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर चतुर्थी तिथि को बहुत ही अशुभ माना गया है। चतुर्थी के दिन कोई भी शुभ कार्य गलती से भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि सगाई, विवाह नहीं करना चाहिए, कोई नए घर के अंदर ग्रह शांति या फिर गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, कोई भी नए दुकान की ओपनिंग, फैक्ट्री की ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, कोई भी नया घर, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो उसका एग्रीमेंट भी चतुर्थी के दिन हो सके तो न करें। कोई भी लेडीज अपने शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार का ऑपरेशन कराना चाहती हो या फिर कोई लेडी डिलीवरी के वक्त सीजरियन ऑपरेशन कराना चाहती हो तो भी चतुर्थी को शुभ नहीं माना गया है। चतुर्थी के दिन खेतों में बीजों का रोपण नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम नहीं देनी चाहिए। चतुर्थी के दिन कोई भी विद्या आरंभ या फिर ज्ञान आरंभ की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन वाहन तो गलती से भी नहीं खरीदी करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जो चतुर्थी है इसे अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन हाँ, अगर चतुर्थी
के दिन अगर शनिवार आ जाए तो उसे सिद्धा तिथि कहते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी इसे रिक्ता तिथि कहा गया है, यानी अच्छा नहीं मानते। लेकिन हाँ, अगर इन तिथियों के अंदर शनिवार आ जाए तो उसे सिद्धा तिथि कहते हैं और उस दिन आप कोई शुभ काम कर सकते हो। लेकिन अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार को दिखाने के बाद, उनका मार्गदर्शन लेने के बाद आप सिद्धा तिथि के अंदर कोई शुभ काम कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।